हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्निंग एड्यू आई एम विशाली सिक्का आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एज पर योर डिमांड्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक को उठाया गया है मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि इस वीडियो के अंदर मैं पूरा कॉन्सेप्ट वाइंड अप करूँ और प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूँ बट क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है सो एटी परसेंट ऑफ द टॉपिक इज़ कवर्ड इन दिस वीडियो जो बच जाएगा वो अगली वीडियो में आपको आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर दिखेगा एंड वन मोर अपडेट फॉर यू पीपल एच टेट एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स जो है वो एक्सटेंड हो गई है सो so, अब आपके पास एच टेट का भी एग्जाम है इन फ्यूचर सी टेट भी है के वी का भी नोटिफिकेशन आउट हो ही जाएगा सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड एक्टिव एंड पैसिव टॉपिक बहुत क्रूशल है आप सबको पता है रिपोर्टेड स्पीच इम्पॉर्टेंट है टेंसेस इम्पॉर्टेंट है एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी वो रह गया है अब अगले वीडियो के अंदर हमारे पास वही है ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नाव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिव एंड पैसिव एक्चुअली होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गेट कन्फ्यूज विद रिपोर्टिड स्पीच डोंट मिक्स दिस टॉपिक विद रिपोर्टेड स्पीच दोनों बहुत डिफरेंट हैंक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आप एक ही सेंटेंस को दो तरीके से कहने के ये तरीके हैं फॉर एग्जाम्पल राम वॉटर्स प्लांट ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में इसी सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे प्लांट्स आर वॉटर्ड बाई राम सो राम वॉटर्स प्लांट राम पौधों को पानी देता है और पौधों को राम के द्वारा पानी दिया जाता है एक ही बात है बात को हमने दो तरीके से बोला है एक्टिव वॉइस के अंदर इस तरीके से बोला पैसिव वॉइस में हमने इस तरीके से बोला सो so, अब एक ही बात को जब आप दो तरीके से बोलते हैं तो ये एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है अब जानेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है नाउ इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है और फिर आता है ऑब्जेक्ट अब हम ध्यान से समझेंगे कि, कि ये कि ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है क्या क्योंकि यह पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है तो उसके लिए हमें ये इंग्लिश के सेंटेंस uh, स्ट्रक्चर्स और इंग्लिश के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में हमें नॉलेज पूरी होनी चाहिए जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं और जिस पर काम किया जाता है या जो काम को रिसीव करता है दैट इज ऑब्जेक्ट सो एक्टिव वॉइस के अंदर अ सेंटेंस देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है द एक्टिव द एक्टिव वॉइस डिस्क्राइब अ सेंटेंस वे आर सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन स्टेटेड बाय वर्ब सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म करता है जो वर्ब स्टेट करता है मतलब सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो अगर सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो वो पहले आएगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट राम यहाँ पर काम कर रहा है क्या काम कर रहा है पानी डाल रहा है पौधों में तो यहाँ पे वर्ब जो है एक्शन जो है वो पानी डालना और किस पर एक्शन कर रहा है पौधों पर तो पौधे क्या हुए ऑब्जेक्ट और जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है सब्जेक्ट एक्शन करता नहीं है सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है तो एक्शन रिसीव जब वो करेगा तो वो बाय हम लोग लास्ट में लगाएंगे बाय के साथ ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो प्लांट्स ठीक है और आर वॉटर्ड कर दिया हम लोगों ने आपने देखा होगा वाटर से वो आर वॉटर्ड हो गया मतलब वर्ब के अंदर कुछ बदलाव जरूर लाया गया है तो देखा जाए तो काफी सारे चेंजेस आए हैं वाइल मूविंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस पहला चेंज क्या आया है हमारा इन बातों को आपको ध्यान में रखना है इफ़ यू हैव अ रजिस्टर सो नोट देम डाउन इमिडिएटली क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे आपको किन बातों का ध्यान रखना है बिकॉज इन नाइन्टी परसेंट ऑफ द केसेज जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है दैट इज़ टू कन्वर्ट द देंटेंसेज ऑफ द एक्टिव वॉइस इन टू पैसि वॉयस आपको एक्टिव से पैसिव में मूव करना है नाइन्टी नाइन परसेंट आई वुड से एक्टिव से पैसिव आता है बहुत कम होता है जब पैसिव से आपको एक्टिव में मूव करना हो तो वाइल्ड मूविंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स चेंज द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को किस तरीके से चेंज करा पहले यहाँ पे राम पहले था प्लांट्स बाद में था फिर उसके बाद प्लांट्स पहले आ गया राम बाद में आ गया तो एक तो आपने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के पोजिशन को बदल दिया दूसरी चीज़ आपने क्या करी है आपने वर्ब के अंदर चेंज लाया है यानी कि आपने एक आपने एक हेल्पिंग वर्ब को ऐड कर दिया है देखिए यहाँ पे वर्ब आपने सिर्फ वाटर्स लिखा हुआ था यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब उसके साथ नहीं था पहले समझते हैं हेल्पिंग वर्ब होता क्या है वर्ब जो होता है वो मेन क्रिया मेन कार्य होता है वाटर्स डांस टॉक वॉक ईट ड्रिंक ये सब क्या है वर्ब है और जो इज एम आर वॉज वर हैज हैव बीन ये सब जो छोटे छोटे वर्ड्स लगते हैं ना मेन क्रिया को हेल्प करने के लिए उनको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं था आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना है तो क्या आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या मैम एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होता ही नहीं है एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हो सकता है अभी हम करने वाले हैं वो वाले सेंटेंसेज भी जहाँ पर ऑलरेडी भी उसके पास हेल्पिंग वर्ब होगा तो आपको एक और हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगा देना है मतलब जो होगा उसमें प्लस वन आप हेल्पिंग वर्ब आप करने वाले हैं एंड यू हैव टू एड हेल्पिंग वर्ब एंड देन हेल्पिंग वर्ब टू बी यूज विल डिपेंड अपॉन द टेंस ऑफ द सेंटेंस कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप चुनेंगे वो आप टेंस पर डिपेंड करेगा ठीक है यानी कि आपको टेंस को चेंज नहीं करना है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंसेस को हम लोग चेंज कर देते थे प्रेजेंट पास्ट में पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाता था बट आई विल नॉट टेक दैट टॉपिक नाउ इट विल ओनली क्रिएट कन कन्फ्यूजन सो यहाँ पर आपको टेंस को आपको चेंज नहीं करना है आपको ये चीज ध्यान में रखनी है एंड ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है वॉटर्ड आपने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का आपने यूज करना है सो so बेसिकली देखा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस में होता था और ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस में यानी कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है टेंस को सेम रखना है और एक आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है ये आपको बातों का ना ध्यान रखना है क्योंकि अब मैं आपको इन इस बातों के बेस पर कुछ अब हम सेंटेंसेस को समझने वाले हैं ओके सो सेंटेंस नंबर वन इज नाउ कुड यू प्लीज इग्नोर दीज बैकग्राउंड साउंड बैकग्राउंड नॉइज जो आ रहा है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मेघा लाइक्स टी ठीक है तो अब आपने यहाँ पे आपने क्या करा है मेघा लाइक्स टी अब ध्यान से इसको समझिए मेघा जो है वो यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है टी जो है वो क्या है ऑब्जेक्ट है लाइक जो है वो उसकी पसंद वो करती है ये क्रिया है ये वो एक्शन है मेघा लाइक्स टी ठीक है अब जब आप इसको चेंज करोगे पैसिव वॉइस के अंदर तो आपको ऑब्जेक्ट पहले लाना है ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाय है तो ऑब्जेक्ट पहले ले आए लास्ट में बाय मेघा आ गया बाय हमारा सब्जेक्ट हो गया अब वर्ब के अंदर क्या चेंज लाएं वर्ब का आपको टेंस तो सेम रखना है तो लाइक्स कौन सा टेंस है प्रेजेंट टेंस है ये सारे ही सेंटेंसेस जो मैंने आपको दिए हुए हैं ना स्लाइड वन के अंदर ये सारे प्रेजेंट टेंस ही हैं अगर आपने टेंसेज अच्छे से समझे हैं तो आपको पता होगा लाइक्स प्रेजेंट टेंस है अब टेंस को तो मुझे चेंज करना नहीं है राइट right. तो मैंने यहां पे टेंस को मैंने सेम रखा और साथ में मैंने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया? जो उसी टेंस से रिलेटेड था यानी कि थर्ड फॉर्म करा जी हाँ मैंने बिल्कुल लाइक् कर दिया लाइक like, तो गया सो so, एक बार रिवाइज करते हैं वेदर द फोर कंडीशन आर मेट और नॉट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज वेरी नाइस और वर्ब का हुआ चेंज बिल्कुल वर्ब का हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया टेंस को हमने सेम रखा और हेल्पिंग वर्ब भी ऐड हमारा हो गया है ना लेट्स मूव टू अनदर सेंटेंस मेघा इज लाइकिंग टी ना दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ठीक है अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब तो लगा हुआ है मेघा इज लाइकिंग टी इज तो लगा हुआ है यहाँ पर अब यहाँ पर अगर एक हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगा हुआ एक्टिव के अंदर तो हमें एक और लगा देना है जब इज हो या फिर आर हो वॉज हो या वर हो वॉज वर की अभी बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे जब इज हो आर हो वॉज हो वर हो तो बींग आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब जब है, जब हैज हैव और हैड होता है तो हेल्पिंग वर्ब आपको बीन लगाना है इज आर वॉज वर में हैज हैव हैड में बीन सो so, टी इज बींग लाइक्ड बाय मेघा यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हुए हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया बींग लगा दिया ठीक है क्योंकि यहां पे इज़ था टेंस को मैंने सेम रखा वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ गया है आई होप दिस इज क्लियर नाउ नाउ लेट्स मूव टू थर्ड सेंटेंस मेघा हैज़ लाइक्ड टी सो टी अब यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ हैज तो एक और हेल्पिंग वर्ब लगा दो कौन सा बीन ठीक है एक और हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा जब ऑलरेडी लगाओ तो एक और लगा देते हैं टी हैज बीन लाइक्ड बाय मेघा ठीक है हैज़ तो रहेगा ही रहेगा बीन और आ गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोगों ने कर दिया ना फोर्थ केस फोर्थ केस मेघा हैज़ बीन लाइकिंग टी अब ये वाले केस को आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बदल दिया पर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो एक्स्ट्रा लगाया नहीं क्योंकि और हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएं हैज़ भी लग गया बीन भी लग गया बींग थोड़ी लगा देंगे बींग तो बींगज आर के साथ आता है बींग तो बीन तो आएगा नहीं बीन यहां पे मैक्सिमम हेल्पिंग वर्ब तो लग गया ना हम हेल्पिंग वर्ब के लास्ट वाले स्टेज पर आ गए अब कहाँ जाएं तो नो हेल्पिंग वर्ब विल बी एडेड इन फोर्थ केस टी हैज बीन लाइक थर्ड फॉर्म तो करेंगे ही करेंगे टेंथ को हमने सेम रखा बाय मेघा आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ कि आपको हेल्पिंग वर्ब एड ऑन करते जाना है जब तक हम लास्ट लेवल पर नहीं आ जाते जब लास्ट में आएंगे फिर तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास अदरवाइज एक एक हेल्पिंग वर्ब हमारा लगता जाएगा टेंस को आपको सेम रखना है वो चारों कंडीशंस को ना चेक कर लेना एक बार कि क्या वो आप मीट कर रहे हो इनिशियल लेवल पर आप उनको चेक uh, करना फिर धीरे धीरे ओवर टाइम प्रैक्टिस के साथ आप उसको ठीक ही करेंगे दैट इज क्वाइट नेचुरल लेट्स मूव टू पास्ट टेंस नाउ मेघा लाइट टी अब यहाँ पर नाउ दिस इज सिंपल पास्ट मेघा को चाय पसंद थी सो टी वॉज लाइक्ड बाय मेघा यहाँ पे वॉज आया क्योंकि टी इज सिंगुलर अगर यहाँ पे टी एंड कॉफी होता तो टी एंड कॉफी वर लाइक्ड बाय मेघा हो जाता ठीक है मेघा वॉज लाइकिंग टी सेकेंड केस टी वॉज बींग लाइक्ड बाय मेघा टी वॉज बीन मत कर देना हैज हैव हैड के साथ बीन वॉज आर वर के साथ बींग ये आपको याद रखना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा थर्ड केस टी ना देखिए यहाँ पे मैंने हैज बीन कर दिया इसको आप हैज बीन नहीं हैड बीन होगा टेंस को तो सेम रखना है ना तो ये मुझसे गलती हो गई है टी हैड बीन लाइक्ड बाय मेघा फोर्थ केस टी हैड बीन लाइक्ड बाय मेघा हैड बीन रहा क्योंकि अब और हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएं हम ठीक है इसीलिए फोर्थ केस में वो सेम रहेगा थर्ड फॉर्म लगाना आपको नहीं भूलना है सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है नाउ आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन वन टू थ्री एंड फोर सो आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें एंड मैं आंसर्स इसके करेक्ट आंसर्स को करेक्ट आंसर्स को मैं डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर अपलोड कर दूंगी वेरी शॉर्टली आप मुझे अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं और मुझे बताएं कि अगला टॉपिक आप फाइनली कौन सा करें हम एक्टिव पैसिव का एक और वीडियो बीच में मुझे ज़रूर डालना पड़ेगा क्योंकि तभी ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा अभी थोड़ा सा ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस टॉपिक इज़ लेफ्ट सो थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन एंड स्टे कनेक्टेड